तो अपनी दोनों गड्डी इधर खड़ी हैं। सिद्धांत भाई का कोई वीडियो आया था, मेरे गौरव बताया कुछ वीडियो में, मैंने कहा क्या बनाया, फिर ने मेरे को ये बताया कि ये परसों मैंने एक वीडियो जो बनाया था। सो एक तरीके से आप ये मान लो कि एफ एन ओ, वो ये मानते नहीं कि एफ एन ओ ट्रेड मिडिल क्लास वाले लोग एफ एन ओ ट्रेडिंग करने के लायक हैं। हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी बढ़िया होंगे, मौज में होंगे। भाई अभी अपने यहाँ का मौसम जो होता है काफ़ी ज़बरदस्त हो रहा है। आपको मौसम का एक झलक दिखाता हूँ, ये देखो कई ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, कई बढ़िया माहौल चल रहा है। और अपना जो बैठ पूरा रात में वो काफ़ी लेट हो गया था, और आज मार्केट फिर निफ्टी का एक्सपायरी भी था, तो फिर निफ्टी एक्सपायरी में कुछ ट्रेड किया नहीं, 5-6 हज़ार रुपये बना पड़ा है अपना। ठीक है, आज ट्रेडिंग वेडिंग का कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं अपना, क्योंकि मेरा ट्रिप व्रिप है अपना। अभी मैं पहले आपको गाड़ी दिखा दो, गाड़ी मैंने बाहर खड़ी करी। तो अपनी दोनों गड्डी इधर खड़ी हैं, दोनों की दोनों बारिश में भीग रही है नहीं, जब तक अपना रेडी नहीं हो जाता तब तक ये गाड़ी बाहर आ रही खड़ी होनी है, अंदर बाहर अंदर बाहर ही होनी है। लेकिन जंक वंक भी लग रहा है क्या, इसके टायर बहुत सही है एकदम फुल, बहुत ज़बरदस्त टायर दिए हुए इसमें। अभी देखोगे ये टायर बहुत ही मोटे दिए हुए हैं भाई, यही तो है इसके टायर में, इसका टायर है और इसका टायर है, इज अ बिग डिफरेंस, बहुत बड़ा टायर है भाई। और फूल फाक तो ऐसे लटके पड़ा है इसमें, एक ही दिन का होता है सारा, मैंने सब निकाल लिया इसमें से पर्चे वर्चे, सारे पर्चे निकाल दूंगा गाड़ी में से, नंबर भी नहीं है गाड़ी वाड़ी का कोई भी नंबर। सो अभी भीग रही है, भीग बारिश का मज़ा ले रही है। इसमें देखो इसका की कवर है, इसकी की पड़ी इसमें यहाँ पर लगा के बस गया, बस और कुछ नहीं। सो बारिश का मौसम, ये लो इसके अंदर का कुछ आपको इंटीरियर वगैरह दिखा देता हूँ मैं, कैसा इंटीरियर है वो सब दिखाते हैं एक बार। ये देखो ये यहाँ पर इसकी ये वाली स्क्रीन हुई, ये पत्नी जो भी है, मतलब इसका अंदर जो स्पीकर है JBL का है, और यहाँ पर भगवान जी की मूर्ति लगा रखी। लेकिन मेरे को इसको निकालना है क्योंकि मैं ऐसे गाड़ी में सामने से ऐसे पीछे को बैठे भगवान जी का मूर्ति नहीं रखता हूँ गाड़ी में, क्योंकि आपको पता ही है गाड़ी में कैसी कैसी बातें होती है, क्या 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 बकवास होती है, क्या क्या कर देते हैं लोग, और भगवान की मूर्ति सामने लगा के करते तो वो बहुत गलत चीज़ है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, है ना। माला वाला टग्गी हो, पूजा आपने करवा दी तो भगवान को गाड़ी पे ऐसे रख के ऐसे जहाँ जा रहे हो ऐसे ऐसे करके, मतलब है ना, गाड़ी के अंदर आपकी हरकतें भी गलत हो रही हैं, है नहीं, अशोभनीय चीज़ें हो रही हैं, और ऊपर से फिर आपने भगवान जी की ऐसे मूर्ति लगाई तो मेरे को ठीक नहीं लगा। सो मैं इसको भी निकाल दूंगा, आई थिंक ये निकल ही जाएगा, इसमें ग्लू वगैरह कुछ है इसमें, पता नहीं क्या लगा हुआ है इसमें। और इसका AC बहुत ज़बरदस्त है नहीं, ये ग्लव बॉक्स इसका जो भी है, ये यहाँ पे भी इसमें बहुत ज़बरदस्त वो है, और ये देखो ये, और क्या क्या फ़ीचर्स हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें कई सारे फ़ीचर्स हैं। और ये क्या है, पूरा म्यूजिक सिस्टम है इधर पर, ये ड्यूअल AC है, मतलब ड्यूअल मतलब इसका इस ये वाला अपना AC अलग सेट कर सकता है, या इधर वाला बंदा अपना AC अलग सेट कर सकता है, तो दोनों के लिए AC है यहाँ पे। और वेंटिलेशन सीट है, प्रॉपर सीट वेंटिलेटेड होती है यहाँ पे इसके अंदर, ऑटोमेटिक है पूरी गाड़ी, देखो क्लच व्लच नहीं है, गाड़ी ऑटोमेटिक है। लेकिन अगर आप इसको क्या बोलते हैं वो करते हो, इस पर यहाँ पर लेके आते हो ड्राइव और S, फिर D पे करते हो तो ऑटोमेटिक ड्राइव होगी, S पे आप मैनुअली गियर चेंज कर सकते हो, मैनुअली आप यहाँ पर गियर चेंज कर सकते हो। इसमें आपको ये भी मिल जाएगा, ये देखो पता नहीं जो भी बोलते हैं, मुझे इतना नाम नहीं पता, बोलते हैं इसको शिफ्टर होता है क्या होते हैं यार, जो भी नाम है अभी पूछूंगा उससे, वो भी मिल जाता है। बाकी सनरूफ जैसी चीज़ के अंदर है नहीं, पूरा स्पेस है पीछे को, है नहीं, और यहाँ साइड में वायरलेस चार्जिंग मिल रहा है, पीछे पूरी जगह है इसके अंदर, बहुत स्पेसियस है, पीछे तीसरा बंदा भी बैठेगा तो बहुत आराम से बैठ सकता है, बहुत पीछे बहुत जगह हुआ है। अच्छा, अगर आपको बहुत ज़्यादा सामान है तो पीछे की दोनों सीट फोल्ड कर दो, दोनों के दोनों मतलब पूरा सामान भर दो गाड़ी के अंदर, ऐसा सिस्टम है इसका। बाकी और क्या है, और कुछ ऐसा है नहीं। बाकी म्यूज़िक व्यूज़िक नॉर्मली है, इतना खास एकदम ज़बरदस्त म्यूज़िक नहीं है इसके अंदर, अगर एक बेस ट्यूब और लगेगी तो और ज़बरदस्त म्यूज़िक हो जाएगा। म्यूज़िक सिस्टम हैरियर का बहुत ज़बरदस्त है, इसका नहीं है, है नहीं। ऊपर से बारिश गिरी, देखो टप 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 बारिश गिरने लगी। तो फिलहाल मैं जाता हूँ अंदर, जब मैं बाद में ड्राइव करूँगा फिर मैं आपको इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस बताऊँगा। सो गाइस, अभी आपको ट्रेड की अपडेट देता हूँ, मैंने ऐसे अपने YouTube वीडियोस पर कल देख ही लिया होगा, स्टोरीज पर देख लिया होगा। सो अपना जो ट्रेड था पहले यहाँ पर था, अपसाइड मोमेंटम का मैंने प्लानिंग किया था, और मैंने रिस्क लेने का प्लान किया क्योंकि मेरे को शॉर्ट कवरिंग पूरी की पूरी दिख रही थी कल के मार्केट के अकॉर्डिंग, पूरा का पूरा शॉर्ट कवरिंग मेरे को यहाँ पर दिख रहा था, ठीक है।
और इसी को देखते हुए मैंने जैसे कल मार्केट में एक सडन फॉल आया था, तो इसके बाद यहाँ पे पैटर्न बना। पैटर्न के बाद मेरे को दिख रहा था कि अपसाइड टारगेट यहाँ अचीव भी हो सकता है, मतलब एक शॉर्ट कभी ऊपर को आ सकती है, क्योंकि कल सब डाउन साइड को बैठे होंगे। अगर स्टॉप लॉसेस कटे तो प्राइस बहुत भयंकर तरीके से ऊपर जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लॉन्ग पोजिशन बनाई थी ये वाली 23,550। 40 के भाव पर उठाया, अराउंड 20 के आसपास मैंने इसको एग्जिट किया, क्योंकि मेरा इसमें 50% कैसा गया था मेरे अकाउंट का, 50% कैपिटल वाइप आउट हुआ। 4 लाख रुपये का इस पर अपने को लॉस फेस करना पड़ा, 4,33,000 रुपये। एंड अगेन फिर मैंने यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड बनाया, दिस वॉज अ डाउन साइड ट्रेड। यहाँ पे देखो ये बिग बार पुल बैक एंट्री अपना सेटअप, ये मेरा ट्रेड था प्रेडिक्शन पर, प्रेडिक्शन पर मुझे लॉस हुआ। मेरा जो पर्सनल सेटअप है उसमें मेरे को ऑलमोस्ट 50% मैंने यहाँ लॉस लिया इस सिंगल ट्रेड में, 200% बुक किया। ये ऑलमोस्ट आप यहाँ से कह सकते हो 8 टाइम्स हुआ, 800% का मूवमेंट दिए इस बिग बार ने। बिग बार पुल बैक ऑलमोस्ट ये 20 रुपये से प्रीमियम 160 गया, लेकिन मैंने 20 रुपये से सिर्फ और सिर्फ मतलब इसको मैनुअली एग्जिट किया, ऑलमोस्ट 70-77 के बीच में एग्जिट किया। सो अपना जो इसमें जो प्रॉफिट हुआ है, अगर आप देखो 8,77,000। सो अब मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ एक बार इन्फो, इसके ऑर्डर्स इसमें दिख जाएंगे आपको। 4,32,000 बाई वैल्यू मेरा 20 रुपये के भाव को उठाया हुआ है, 61.5 एवरेज मेरा निकला हुआ है। ठीक है, एक बार मैं आपको ऑर्डर्स भी दिखा देता हूँ। सो दिस आर द ऑर्डर्स, और मैंने इसको अराउंड 20 पर बाई किया हुआ है, एंड 46-56 मैंने मैनुअली एग्जिट किया। ठीक है, क्योंकि मेरे पास बास्केट रेडी नहीं था, मैंने बहुत क्विक एंट्री बनाई थी। सो दिस वॉज द डे, और ये अपना हो चुका है ट्रेड, अपना यूट्यूब के लिए भी रिकॉर्ड कर दिया है। सो प्लान था रिस्क लेने का, तो अपने रिस्क लिया, अपने को सेटअप दिख रहा था तो अपने रिस्क ले लिया, और अपना बन गया कुछ ना कुछ। सो आज के लिए अपना जो प्रॉफिट हो चुका है 4,73,000। अब निकलते हैं एक छोटा सा राइड मारने, फिर रात को मेरे को वीडियोस रिकॉर्ड करनी है बहुत सारी, क्योंकि अपन जा रहे हैं हाँ जा रहे घूमने जा रहे हैं एक पहाड़ का ट्रिप ना। सो ये हो चुका है अपना डन, ले ले भाई ले ले, अभी करेगा फटाफट लेगा रिकॉर्ड उसका जो वीडियो है प्रॉपर, उसको यूट्यूब के लिए एडिट करके डाल देगा। तो गाइज अपना दिन भर का ट्रेड हो चुका है, फाइनल अपडेट जो भी है आपको उसमें वीडियो मिल गया होगा, सेंस वीडियो मिल गया होगा। थोड़ा मेरी आंखें हो रही है क्योंकि मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो वीडियो रिकॉर्ड करते करते अपना एक मैं ऐसी यूट्यूब देखते रहता हूँ, तो अपने सिद्धांत भाई का कोई वीडियो आया था, मेरे गौरव बताया कुछ वीडियो में, मैंने कहा क्या बनाया, फिर ने मेरे को ये बताया कि ये परसों मैंने एक वीडियो जो बनाया था 56 लाख टैक्सेस 64 लाख और नेट लॉस 1 लाख कैसे, हाउ ही वॉज एक्सप्लेनिंग हाउ राइट। सो इन्होंने पूरा एक्सेल सीट है, और एक पत्नी कौन थे वो भी मैंने 2-3 वीडियो देखी, मैंने कहा यार मेरे को मतलब अच्छा उन्होंने एक्सप्लेनेशन सही दिया, मेरे को ऐसा वो नहीं है, बट मैं 1-2 लोग के और देखा था। तो मैं एक चीज़ देख रहा था कि मतलब एक तरीके से ना अपन अगर कोई चीज़ आपको रियलिटी दिखा रही है कि ये हो रहा है, वो हमारे साथ हुआ है, हमने फेस किया है, हमने तभी हम तो लॉस में गए, तभी तो अपन दिखा रहे हैं। फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि अपन अगर आपको कोई रियलिटी दे चीज़ें दिखा रहे हैं ना, तो उसमें भी फिर कई सारे लोग क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं, वो करने लग जाते हैं, डाउट्स करने लग जाते हैं। तो फिर मैं कहता हूँ यार क्या इससे अच्छा खाली प्रॉफिट ही देखा ना, वो सबको ही लगना चाहिए बस कमाते प्रॉफिट ही होता है, लॉस तो होता नहीं है, होता है, इतने सारे लॉसेस होते हैं, इतने सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं, इतने सारे चार्जेस देने पड़ते हैं। और अभी मैं फाइनेंस मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट सुन रहा था, उनने कहा था जो FNO ट्रेडिंग कर रहा है ना, वो मिडिल क्लास वाला बंदा नहीं है, ही इज़ नॉट ए मिडिल क्लास, सो कॉल्ड मिडिल क्लास कह रही थी वो, इफ ही इज़ डूइंग ए ट्रेडिंग, मतलब FNO ट्रेड्स। सो एक तरीके से आप ये मान लो कि FNO वो ये मानते नहीं कि FNO ट्रेड मिडिल क्लास वाले लोग FNO ट्रेडिंग करने के लायक है ना, इनको क्या बोलते करना चाहिए, ये करके ऊपर आ सकते हैं, उनको इतना पता है कि हाँ इतने टैक्सेस एंड चार्जेस हमने लगाए, क्योंकि FNO ट्रेड हम बिगिन मिडिल क्लास को नहीं करना देना चाहते, जो हायर क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास से थोड़ा अपर मिडिल क्लास में लोग आ जाते हैं, वही करें, वो कमाएं, वो नुकसान करें, वही टैक्स भरें, वो इतना टैक्स बेक कर सकते, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा है। जो टैक्स कह रहे हैं ये मिडिल क्लास वाले लोग हैं जिनके लिए FNO नहीं है, ये कहना चाह रही है। सो वही चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा था अपनी लास्ट वीडियो में, जो मैंने आई थिंक यहाँ पर बनाया हुआ था, आपको मैं दिखाऊंगा कहाँ है वो, मेरे YouTube चैनल पर कहीं पे है अराउंड ये था राइट, ये था 10 डेज आएगा मैंने डाला हुआ है। सो ये मैंने यहाँ पर शेयर किया हुआ था वीडियो, जिसमें मैंने बताया हुआ था बेसिकली, मैं इस वीडियो में कम्प्लीटली मैंने अपने क्या ट्रेड किए, कैसे ट्रेड किए, मैंने कुछ नहीं शेयर किया हुआ था, मैं सिर्फ ये शेयर करता था कि आपका अगर सेटअप वेटअप सब प्रॉफिटेबल है नहीं, आपका स्टाइल मेरा स्टाइल स्कैल्पिंग, मैं इसमें और समझाता हूँ थोड़ा, सेटअप सब प्रॉफिटेबल, आपका स्ट्रेटजी सही है, आपका सेटअप प्रॉफिटेबल, आपका सब कुछ ठीक है, बट स्टिल
यहाँ पे ब्रोकरेज टैक्सेस चार्ज इतने ज़्यादा है कि आप कहीं ना कहीं एंड अप लॉस करने में एंड अप कर सकते हो, या आपको लॉसेस में एंड अप करना पड़ सकता है। वही चीज़ मैंने किया था, तो मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। एंड दिस पी एन एल इज़ वन ऑफ माई अकाउंट जिसमें मैं आफ्टर कवरिंग माई लॉस मैंने कुछ टाइम मतलब करता हूँ, उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट पड़ी रहती है, बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट पड़ी है, बट उसमें जब मैं ट्रेड करता था मैंने इस तरीके से वहाँ पर चीज़ें फेस की थी। तो मैंने सोचा एक बार बताऊँ, दिखाऊँ लोगों को क्या इतने ज़्यादा हैवी टैक्सेशन चार्जेस हैं। सो बेसिकली आई वॉज ट्राइंग टू क्रिटिसाइज ये टैक्सेशन सिस्टम जो इतना ज़्यादा एक इंट्राडे ट्रेडर पर लग रहा है, एक एफएनओ ट्रेडर पर लग रहा है, चारों तरफ से खाया जा रहा है उसको। और आप कि ये इतना ज़्यादा अगर आप टैक्सेस लगा दोगे तो मैं डेफिनेटली मेरे से ट्रेडर कोई भी को इस मार्केट को छोड़ के दूसरे मार्केट में शिफ्ट हो जाएगा, नहीं यहाँ से नहीं कमाना, छोड़ो साला, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ, तीसरी जगह शिफ्ट हो जाओ, कोई दूसरा तरीका बनाओ, कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करो, कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ पर इतने टैक्सेस चार्जेस देना ना पड़े। मेहनत हमारी, पैसा हमारा, हार्डवर्क हमारा, इतना सब हमारा, इतना मेहनत पैसा हम कमाए है ना पैसा, और उसके बाद इतने सारी लॉसेस बर्बादी के बाद जब हम कमाएं तो सरकार को दे दें। तो ऐसा करो ना कि जब लॉस होता है तब टैक्स मत लो हमसे, लॉस होता है तो तब तो सरकार पूछ, उसमें सरकार कोई रोल नहीं है, लेकिन जब प्रॉफिट होता है तो टैक्स सीधा ले लीजिए। सो आई वॉज टोटली ट्राइंग टू क्रिटिसाइज द सिस्टम क्या होता है इससे। आपका डब्बा ट्रेडिंग प्रमोट होती है, 70,000 करोड़ का डेली का टर्न ओवर है डब्बा ट्रेडिंग का, इतना टर्न ओवर हो रहा है, लोग कर रहे काम, वो प्रमोट हो रहा है ना, कैश में ट्रांजेक्शन, कैश में डील करना प्रमोट कर देंगे लोग, मतलब एक तरीके से कैश में डील ज़्यादा करेंगे लोग, टैक्सेस चार्जेस इसका भी कोई लूप होल निकालेंगे, है नी। सो दैट्स ऑल आई वॉज ट्राइंग टू से, कितने ज़्यादा टैक्सेस चार्जेस हैं भाई। बाकी वहाँ पर मेरे लोग, मेरे जो ट्रेड्स हैं उसमें आपने ओवर ट्रेडिंग किए गए, अरे यार ओवर ट्रेडिंग भाई, वो ओवर ट्रेडिंग क्या होती है, एक दिन के 200 250 500 ट्रेड नंबर 500 ट्रेड इज़ नॉर्मल फॉर मी, आई एम ए स्कैल्पर, एक स्कैल्पर हूँ भाई। आप वही समझ में आता ना कि यार रियलिटी दिखाओ, सब कुछ दिखाओ, स्टिल लोगों को पता नहीं प्रॉब्लम होती, स्टिल लोगों को वही होता है कि यार कैसे, अरे यार करो ना यार, तुम भी तो करो, लाख 5-10-20 लाख 80 लाख 1 करोड़ से अपन ने स्कैल किया, तुम करो ना, तुम पता चला 1 करोड़ से स्कैल मारोगे, एक ट्रेड में तुम्हारे 400-500 ऑर्डर ना लग जाए ना, अगर निफ्टी फिर निफ्टी मिड कैप जैसे के अंदर एट द मनी पर काम कर लिया, स्लाइटली ओटीएम पर काम कर दिया, मार के देखो 40-50 लाख से ऑर्डर, पता चल जाए कितने ऑर्डर्स लगते हैं और एक दिन में कितने ट्रेड्स लगते हैं। आज का ट्रेड दिखाता हूँ, आज मैंने ट्रेड किया हुआ है, आज मेरा पोजिशन है 4,73,000, ठीक है, एक ही ट्रेड में मेरे 78 बना, बट स्टिल मैंने आप जो ट्रेड किए थे 179 मेरे ऑर्डर लगे हुए हैं एक ही दिन के, इट्स नॉर्मल, ठीक है। ये 2-3 ट्रेड हैं और इसमें 6 लाख, इसमें देखो ब्रोकेज कितनी बड़ी है, एसटीडी कितना पड़ा है, स्टैम्प ड्यूटी कितना पड़ा है, एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस कितना पड़ा है, जीएसटी कितना पड़ा है, सब कुछ पड़ा हुआ है। सो एक स्कैल्पर के नंबर ऑफ ट्रेड्स तो नॉर्मल सी बात है, बहुत ज़्यादा हाई जाते हैं बॉस, बहुत ज़्यादा। अगर मैं देखूँ, मैंने जैसे ये है, ये मैंने 7 लाख से क्वांटिटी उठानी, तो मेरे को यहाँ पे 20 ऑर्डर मानने पड़े। अगर वहीं मैं 15 लाख से क्वांटिटी उठाऊँगा, 15 लाख या 25 लाख से मारूँगा, तो मेरे को यहाँ पे एक बार में बाय करूँगा तो मेरे को यहाँ पे 60 ऑर्डर लगेंगे, 60 ऑर्डर बाय, फिर मैं इसका मैंने जो बास्केट बना रखा है सेल का 60, और जब मेरे को प्रॉफिट टारगेट के आसपास कहीं पे कुछ भी आएगा स्कैल्पर को 60 ऑर्डर मेरे लगेंगे यहाँ पे। सो एक मैंने बेसिकली यहाँ पे एक ट्रेड किया है ना, मैंने कहा यहाँ पे चल 7 लाख से मुझे अगर माल उठाना है तो मैंने यहाँ पे एक ही ट्रेड मारा, बेसिकली ट्रेड तो मेरा एक ही है, लेकिन ऑर्डर्स कितने ज़्यादा हैं, 20 ऑर्डर हैं, है नहीं, और वहीं पे ये 20 ऑर्डर सेल, तो एक ही ट्रेड मेरे अगर 40, अगर मैं सिर्फ 7 लाख से भी माल उठा रहा हूँ 20 रुपये के भाव पे, और मेरे सिर्फ 40 ऑर्डर लग रहे हैं, 40 ऑर्डर लग रहे हैं एक ही ट्रेड में, तो आप खुद सोचो अगर मैं यही 15-20-30-40 के रेंज का प्रीमियम पे मैं ज़्यादा काम करता हूँ, और मैंने वहाँ पर 15-20 लाख से माल उठा लिया, 25 लाख से माल उठा लिया, तो एक ही ट्रेड में 50 से 100 ऑर्डर तो मिनिमम मेरे एक ही ट्रेड में लगेंगे। और वैसे ही मैंने अगर 3 ट्रेड ले लिए 4 ट्रेड ले लिए विच इज़ नॉर्मल फॉर द स्कैल्पर, 3-4 ट्रेड नॉर्मल स्कैल्पर 5 से 10 ट्रेड लेता है एक दिन के, 5 से 10 ट्रेड, 3 से 4 ट्रेड लो तो ट्रेड तो वो ट्रेड वो लोग लेते हैं जो नॉर्मल सिर्फ है ना, मतलब एक डायरेक्शन को पकड़ के काम करते हैं, नॉर्मल जो स्कैल्प नहीं करते, डायरेक्शन में 20-30-40% 50% के लिए जाते हैं, 4-5 ट्रेड तो वही लेते हैं है ना, वही भी 4-5 ट्रेड से ज़्यादा लेते तो उनको ओवर ट्रेडिंग में आते, फिर 5-6-7-8 ट्रेड उन्होंने अगर ले लिया। स्कैल्पर का तो मिनिमम 5 से 10 ट्रेड तो एक स्कैल्पर नॉर्मल लेता है, और अगर मैं ही हूँ 20-25 लाख से स्कैल्प कर रहा हूँ और मैंने एक ट्रेड लिया, मेरे 100 ऑर्डर लग गए, अब बाय वैल्यू सेल वैल्यू आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट लग गया उसमें है ना, और क्या होता है टर्नओवर लग गया, टर्नओवर कितना है, एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस मुझे देना पड़ेगा, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा, कितना कुछ दिया हुआ है नहीं। सो फॉर ए स्कैल्पर यू कांट से देयर इज ओवर ट्रेडिंग, इफ आई एम ए स्कैल्पर, इफ यू थिंक यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग होती है, ओवर ट्रेडिंग की है,
कहीं तक एक तरीके से मैं भी कहूँगा कि हाँ, अभी मैं जैसे बहुत कम ट्रेड करता हूँ, उस वक्त मैं थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेड करता था, बट दैट वॉज नॉट ओवर ट्रेडिंग, क्योंकि स्कैल्प अगर मैं 10 ट्रेड लूँगा, 25 लाख मेरे अकाउंट में फंड है, 20-25 लाख से मैं स्कैल्प मार रहा हूँ, मैं 10 ट्रेड लूँगा, मेरे कहीं से 500 से 1000 ऑर्डर्स लग जाएंगे। नॉर्मल सी बात है, 500 से 1000 ऑर्डर, इट्स नॉट अ बिग थिंग फॉर स्कैल्पर, ठीक है। सो टैक्सेस चार्जेस लगेंगे ही लगेंगे अगर आप स्कैल्प कर रहे हो। जो लोग स्कैल्प करते हैं, जो 15-5, 10-20 लाख से स्कैल्प करते हैं, दे विल अंडरस्टैंड कि हाँ कितने ब्रोकेज, कितने ऑर्डर्स, और खासकर 20-30-40 के प्रीमियम की रेंज का जो प्रीमियम ऑप्शन उठा देना, 20-30-40, फिर निफ्टी, निफ्टी मिड कैप, इन पर जो ज़्यादा काम करते हैं उन्हें पता होगा कि कितने ज़्यादा ब्रोकेज यहाँ पर उनको देना पड़ता है, कितने ज़्यादा ऑर्डर्स उनके लगते हैं। सो लगेंगे, दैट्स डेफिनेटली लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सो अपना काम था बताना, दिखाना, समझाना कि भैया इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं। सो अगर थोड़ा सा टैक्सेस कम होते, ये सारी चीज़ें कम होती, तो जो अपन किए हैं अपन प्रॉफिट में रहते, बट स्टिल अपन नहीं उस पीरियड ऑफ टाइम में अपने को वहाँ पर लॉस बियर करना पड़ा था, स्टिल प्रॉफिट में होने के बावजूद भी। सो दैट्स ऑल आई वॉज ट्राइंग टू से, बाकी जो जिसको जो समझ में आता है, दैट्स ऑल योर व्यू, ऑल योर ओपिनियन। बाकी भाई ने ये वीडियो बनाया था तो मैं देख रहा था, मैंने कहा ठीक है, इनमें एक्सप्लेनेशन बहुत सही चीज़ें दी थी, बट बेसिकली ही वॉज ट्राइंग टू से कि ओवर ट्रेड हुआ, बट फॉर मी इट्स नॉट, मैं तो अभी कुछ ट्रेड भी नहीं करता। अभी जो ट्रेड है ना, जो मैं डेली बेसिस पे वीडियोस वगैरह डालता हूँ, देर इज़ नथिंग, वो कुछ ट्रेडिंग नहीं है। जो मैं पहले ट्रेड्स किया करता था, जितने मैं ऑप्शंस के अंदर स्कैल्प करता था, 50 लाख 1 CR की स्कैल्पिंग मैंने की थी, मेरे डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट 5 लाख 5, 7, 8, 10, 15 ये मेरे प्रॉफिट्स रहते थे लैक्स में। सो बट अभी जैसे जैसे वो जो ज़्यादा स्ट्रेस लेवल देता था, फिर मैंने अपना कैपिटल सेव करना चालू कर दिया, सिक्योर साइड में इन्वेस्टमेंट, स्विंग्स में ज़्यादा चालू कर दिया, तो मैं अभी स्कैल्पिंग अभी बहुत कम लेवल पर करता हूँ, बहुत ही मेरे ओवरऑल कैपिटल का 1-2% ही यूज़ होता है स्कैल्पिंग के अंदर, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी टैक्सेस चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं स्कैल्पिंग का, तो बहुत ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो होगा, क्योंकि क्वांटिटी अगर बड़ी होगी, कम को लॉट्स पे, कम 40-50 हज़ार से स्कैल्प करो, 1 लाख से स्कैल्प करो, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जब 5-10 लाख के ऊपर जाओगे तब आपको पता चलेगा। बाकी दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग, और आज का अपना यही था ट्रेड, आपको मैंने दिखाया समझाया और बढ़िया था, 50% अकाउंट नीचे गया, फिर अकाउंट का 50% प्रॉफिट आ गया। होल्ड करते उस ट्रेड को तो 20 रुपये का ट्रेड मैंने ऑन एन एवरेज में 60 रुपये पर कटाया एवरेज पे, है नहीं, और उसको होल्ड करता तो 20 रुपये का कुछ ही मिनट के अंदर वो चला गया था 160-180। सो 7 से 8 गुना पैसा बन जाता, बट अपन स्कैल्पर इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में, अपना एक बहुत जबरदस्त पहाड़ों पर ट्रिप लगने वाला है। टिल देन बाय बाय।